Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up this topic, one word for a group of words. These questions have been taken from the exam which has come in RRB, SBI, MBA collectively. और उम्मीद है कि क्वेश्चन रहता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया रहता है और उसमें चार या पांच ऑप्शंस रहते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू फाइंड द मोस्ट सूटेबल वन. तो जैसा कि पहले मैंने कहा भी है, इसके पहले वाले वीडियो में भी, ऐसे ये मेरा सेकंड वीडियो है. तो और एमबीए में भी आया है ये क्वेश्चन. तो पहले नेगेटिवली हम लोग चलेंगे, जो इसका मीनिंग रिलीजियस डिस्कोर्स, माने रिलीजन पर जो बातचीत होते हैं उसे क्या कहते हैं. स्टैंजा माने पैराग्राफ होता है, ये तो खैर हो ही नहीं सकता है. प्रीचिंग एक टाइप से चलता है, लेकिन प्रीचिंग क्या होता है कि एक लेसन टाइप का होता है, प्रीच करना, वो भी धर्म से ही रिलेटेड होता है, लेकिन उतना सूटेबल नहीं है. सैनिटोरियम एक जगह को कहा जाता है जहाँ वो सब बातें होती हैं. मिथ एक अंधविश्वास है या उस टाइप का चीज, उसे मिथ कहते हैं. तो ये भी कट हो गया, मिथ भी कटे हो गया. बसता है सामन. सामन होता है कि जैसे चौपाई, व्याख्यान, ये सब रिलीजियस, ये मतलब रिलीजन के बेस पर अगर कुछ कोई उपदेश देते हैं उसे सामन कहते हैं, और वो पहुँचे हुए कुछ पंडित या जो ज्ञानी होते हैं वो लोग देते हैं. तो कहने का मतलब प्रीच से बेटर इसका ये है मीनिंग. तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है सर्मन. अब ये सेकंड वन कहते हैं, देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है. अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और उसका डेथ हो गया या खो गया कहीं, तो उस पर बेस्ड होकर पोएम को क्या कहते हैं. वैसे पोएम को ओड है. ओड जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत स्टूडेंट जो CBSE में है, ओड टू द वेस्ट विंड. तो ओड का मतलब होता है रिक्वेस्ट. पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वेस्ट विंड से, तो ये नहीं हो सकता है. एपिक जो होता है वो किसी डेटी देवी के व्याख्यान के बारे में होता है, तो ये भी नहीं होता है. सोनेट कहते हैं 14 लाइन पोएम को कहते हैं. 14 लाइन पोएम को कहते हैं सोनेट. तो ये भी कट जाता है. तो बचता है एलेजी, जो कि कोई गुजर जाता है जैसे फ्यूनरल पर, वैसा जो पोएम लिखा जाता है उसे एलेजी कहते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं, दिस बिकम्स ईजियर बाय ओमिटिंग जो नेगेटिव है उसको हम हटा देने से हम लोग कन्फाइंड हो जाते हैं एक या दो पर. अब ये थर्ड वन हम देखते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, कि एक से ज्यादा वाइफ या हस्बैंड हो. अब देखते हैं एक एक करके. बुलीइज्म का मतलब होता है कि बुलीइज्म बुली करने से, इसका परफेक्ट आइडिया हमें नहीं है. पॉलीएंड्री सेडिस्ट कहते हैं जिस आदमी को दूसरे को तकलीफ देने में खुशी होती है उसे सेडिस्ट कहते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन भी SAD सैड होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इट इज प्रोनाउंस एज सेडिस्ट, तो ये रॉन्ग हो गया. पॉलीएंड्री मतलब होता है ऐसे कंडीशन, ऐसी वुमेन जिसके दो तीन मोर देन वन हस्बैंड होते हैं, तो उस पर ज़्यादा हम लोग नहीं कहते हैं. ये ट्रेडिशन पर है और ये ट्रेडिशन नहीं है. और ये पॉलीगैमी जो है वो ट्रेडिशन पर आता है, ये कि वो अलाउड है, लीगली भी अलाउड है कि एक आदमी या एक औरत एक से ज़्यादा वाइफ और हस्बैंड ज़्यादा रख सकते हैं, इसलिए पॉलीगैमी है. पॉलीएंड्री नहीं है. पॉलीएंड्री जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो उचाहने पर है. दिस इज लीगली, ये उतना सूटेबल वर्ड नहीं है. तो पॉलीगैमी इज द करेक्ट आंसर. अब आइए फोर्थ वन. अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स. बहुत ज़माना पहले, मैंने पुरातन काल में जब सृष्टि बनी थी तो कुछ दिन में लोग इंसान को ही खाते थे. वैसे लोगों का इसकी स्पेशल नेम है, हम लोग बचपन में पढ़े थे.
भाई एक एक करके बीस्ट तो जानवर को कहते हैं, घोस्ट भूत को कहते हैं, जायंट माने बहुत ह्यूज साइज का होता है, डीमॉन कहते हैं जो भूत वगैरह पिशाच वगैरह में विश्वास करते हैं, तो ये कोई नहीं हुआ। तो आदमी को खाने वाले को कैनिबल्स कहते हैं, ये बचपन में भी हम लोग स्टोरी में पढ़ते थे, कैनिबल मीन्स मैन ईटिंग पर्सन को कैनिबल कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पहुंच जाते हैं द ओरिजिनल इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट माने क्या होता है, जो वहां के वासी रहते हैं, वहां के रहने वाले, ओरिजिनल ऑफ अ कंट्री, उनको क्या कहते हैं। तो नेटिव कहते हैं जहां बर्थ होता है, जिसका बर्थ होता है। सिटीजन, तो सिटीजन सिर्फ बहुत चीज से होता है, अगर हम जाकर आप अमेरिका में जाकर शादी कर लेते हैं तो आपको सिटीजन मान्यता मिल जाती है, लेकिन वो ये चीज़ ये कॉलम नहीं फिल करता है। प्रिमिटिव माने पुरातन जमाना से जो चली आ रही है उसको प्रिमिटिव कहते हैं, बहुत एंशियंट तो ये भी नहीं होता है। तो नेटिव थोड़ा सा हो रहा है कि बाई बर्थ से है, लेकिन हो सकता है उसके माता पिता वहाँ के ना हो, हैं? और एब ओरिजिन्स कहते हैं कि वहीं के इनहैबिटेंट रहने वाले ही हैं, तो उन्हें एब ओरिजिन्स कहते हैं, एब ओरिजिन्स कि वहीं के रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा फर्क है नेटिव में और एब ओरिजिन्स में, इसका ओरिजिनैलिटी वहीं उसी कंट्री का है इसलिए उन्हें एब ओरिजिन्स कहते हैं। और ये सिक्स्थ वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता है, वैसे आदमी को क्या कहते हैं। लाख सुधारो, माँ बाप भी परेशान, टीचर्स भी परेशान, लेकिन ना मैं नहीं सुधरूंगा, कसम खा लिया है। अब देखते हैं उनके लिए क्या वर्ड है। हार्डन माने जो बहुत हार्ड है, वो चीज़ सेंसिबल नहीं है। वल्नरेबल एक वर्ड है, वल्नरेबल का मतलब एक और वर्ड है उसका, ससेप्टिबल, SUCCEPTIBLE, और प्रोन PRONE। दिस कॉर्नर, द कॉर्नर ऑफ द रोड इज प्रोन टू एक्सीडेंट, ही इज ससेप्टिबल टू कोल्ड, जरा सा हवा नहीं चली कि छींकने लगे, सर्दी हो गई, तो वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत वीक होते हैं, उसको वल्नरेबल भी कहते हैं। तो इन वल्नरेबल माने जो वीक नहीं हो, स्ट्रांग हो। तो यहाँ करेक्टेड और स्ट्रांग से कोई मतलब नहीं है। इनक्यूरेबल माने वैसा डिजीज जिसका कोई क्योर ना हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी कोरोना है कि बहुत आदमियों की जान ले सके, इनक्यूरेबल, तो यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं, यहाँ करेक्टेड से मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों रॉन्ग हो गया, तो जाहिर सी बात है इनकॉरिजिबल ही आंसर होगा फोर्थ वन। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, बहुत अच्छा वर्ड है इनकॉरिजिबल। आइए नेक्स्ट वन, सेवेंथ में आते हैं, मर्डर पे है। मर्डर, एक कुछ दिन पहले हमने बताया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो पैसे के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर को मारते हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला चीज उसे एसासिनेशन कहते हैं, ASSASSINATION, एसासिनेशन। ये किंग और प्राइम मिनिस्टर के किलिंग को एसासिनेशन कहते हैं, और जो मारने वाला है उसको एसासिन कहते हैं, एसासिन भी कहते हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको मर्सिनरी कहते हैं। ये वर्ड हम लोग पिछली बार हमने सिखाया है वीडियो में, याद नहीं है कहाँ सिखाए थे, लेकिन शायद वन वर्ड में ही सिखाए थे, तो खैर यहाँ वो वर्ड नहीं दिया हुआ है। अब हम देखते हैं फ्रैट, मारने वाले को क्या कहते हैं, फ्रैट्री साइड, तो साइड का मतलब होता है किलिंग, तो यहाँ फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदर को किलिंग करने का, एक ब्रदर को मार रहा है उसको फ्रेटर्नी साइड कहते हैं। होमिसाइड कहते हैं एक आदमी दूसरे को मारे उसे होमिसाइड कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रेगी साइड कहते हैं वही किंग को मारने को, द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, ये भी रेगी साइड होता है। इन्फेंट वर्ड है, इन्फेंट बच्चे को कहते हैं, तो क्वेश्चन भी वही है, बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड,
तो इन्फेंट उसी को कहते हैं, एकदम बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, उसके मारने के एक्ट को क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। जैसे लड़की अगर पैदा होती है तो लोग बहुत से शहरों में मार देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। अब ये लास्ट वन बचा है, दैट विच कैनॉट बी डन विदाउट, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। सब लोग भी आ जाएं लेकिन अगर वो नहीं है तो ये काम होना प्रैक्टिकली असंभव है। अब उसके लिए भी वर्ड है, जैसे उधर इनकॉरिजिबल था तो इम्पॉसिबल सभी लोग जानते हैं। इम्प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल नहीं है वो भी नहीं हो सकता है। इसे पिछले रिवर्स में लाया जा सके, उल्टी अवस्था में लाया जा सके, उससे इरिवोकेबल कहते हैं। तो ये वर्ड है इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम न हो सके। अब इन लगाने से ऑपोजिट बनता है, तो ये आपका आंसर है। जैसे इन लगाने से बहुत जगह ऑपोजिट बनता है, जैसे इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होना अनिवार्य है, एकदम हो ही जाएगा, होना ही माने अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। अब जैसे इनफैलिबल, इनफैलिबल माने फ्लॉलेस, फ्लॉलेस होता है, एफ एल ए डब्ल्यू एल ई एस एस, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, ज़रा सा भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो कुछ वर्ड्स भी हमने आपको सिखा दिए हैं, वन वर्ड के अलावा इसके जो जो इससे कनेक्टेड वर्ड्स हैं बहुत सारा, आई डबल एम से भी होता है, इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट मतलब विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी स्पॉट, उसको इमैक्यूलेट कहते हैं। तो आइए इसी तरीके से नए नए वर्ड्स हम देते रहेंगे, जब भी कोई टॉपिक डिस्कशन में आएगा तो कोशिश मैं करूँगा कि हम आपको नए नए वर्ड्स जो कि आपको वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स में, करेक्ट मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन में भी, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो इसे आप वीडियो को जब देखेंगे और इसे आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसे याद करेंगे तो ये आपको कल दिन फ़ायदा देगा। एंड कीप रिवाइजिंग। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आता हो तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ अगर पसंद आ रहा हो और भी नोट्स चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।